हालेलुया। कितने खुश हैं, कितने उस आनंद से भर चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिलता है। तो मैं परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आज के दिन के लिए आप सबको अपने स्वर्ग से बड़ा ब्लेस कर चुका है, और मेरी ओर से भी आत्मिक जो आत्मिक रीति से है ना, आप सबके तो स्पिरिचुअल फादर है, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह कि परमेश्वर ने मेरा उनके साथ एक बहुत ही नज़दीकी का रिश्ता परमेश्वर की ओर से है ना। तो मेरी ओर से भी आपको हैप्पीएस्ट वेरी वेरी हैप्पीएस्ट बर्थडे। निश्चय परमेश्वर जो परमेश्वर की चाहत है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने उन्हें चुना है, परमेश्वर उन्हें बहुत सारा इस्तेमाल करेगा, बहुत सारी रूहें उनके द्वारा बचेंगी, आशीष को पाएंगी। आमेन आमेन। तो मैं परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ, और आप सबका भी मैं स्वागत करती हूँ कि आपने इस दिन को इस जगह पहुँच कर और भी खास बनाया, और परमेश्वर निश्चय आपको भी आज के दिन के लिए बड़ा ब्लेस करेगा। तो मैं परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ कि जैसे बच्चों ने बहुत अच्छा बोला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके मुख से ऐसे आई, उनके अपने इमोशंस है ना, उनकी अपनी फीलिंग जो वो फील करते हैं, तो उसे सुनकर है ना, हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा और सीखा कि एक जो परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए दास होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है ना। तो उनकी एज अ वाइफ होने के कारण वजह से मैं उनकी लाइफ को ज़्यादा नज़दीकी से जानती हूँ है ना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे परमेश्वर की तो बड़ी योजना है उनके जीवन से, डेफिनेटली परमेश्वर कर भी रहा और भी ज़्यादा करेगा, हालेलुया है ना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक पास्टर या कह लो एक अपोस्टल, एक प्रॉफिट, कुछ भी नाम दे लो, या जिस भी योजना के तहत परमेश्वर उन्हें चुना है ना, तो उनकी एक जो आत्मिक रीति से एक लाइफ होती है ना, और एक फिजिकल ऐसे भी होती है ना। तो मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है ना, क्योंकि मैं देखती हूँ कि वो हमेशा, जैसे बच्चे भी बता रहे थे कि हमेशा उनकी चाहत क्या है, रूहों को बचाने की है ना। तो मैं देखती हूँ कि वो कभी थकते नहीं है, कभी अकते नहीं है, है ना। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बार 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 एक चीज़ सिखाई जाती, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को पकड़ नहीं कर पाते, वो उस अकॉर्डिंग नहीं चल पाते जैसे परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन मैंने देखा है वो कभी ऐसे अक नहीं जाते, खिज नहीं जाते है ना, खिजते नहीं है कि इस बंदे को इतना ये चीज़ में, इस बात में, इस पॉइंट में टीज किया, ये फिर भी वही चीज़ कर रहा है। फिर है ना, हमेशा उनकी चाहत होती कि नहीं, इन्हें और समझाओ, इन्हें और बताना है, इनके साथ मीटिंग कराओ, ये करो वो करो, इनके लिए ऐसे है ना मीटिंग की अरेंजमेंट करो, कुछ भी ऐसे है ना। तो मैंने हमेशा देखा है कि उनकी एक बड़ी चाहत है कि परमेश्वर की रूहों को बचाने की है ना। तो जब से मेरी मैरिज हुई, हमारी शादी को 12-13 साल हो गए हैं, और जब हमारी शादी हुई थी उस टाइम तो बहुत नए थे परमेश्वर में, इतना नहीं था है ना। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गए है ना, और आज परमेश्वर ने जैसे आज के दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अगर जैसे मनप्रीत भी आपको बता रही है कि अगर आज का दिन उनकी लाइफ में ना आता, तो शायद हम में से बहुत सारे लोग इस जगह मौजूद ना होते, वो परमेश्वर में ना होते। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के दास मेरी लाइफ में जब आए, या मैं इनकी लाइफ में आई, तो मेरा घर घराना भी बचा, मेरे बहुत सारे अपने जो जिनके साथ मेरा फिजिकली रिलेशन है वो भी इस जगह बैठे हैं, तो परमेश्वर ने उन्हें भी चुना है ना। तो परमेश्वर ने मेरी लाइफ में भी उन्हें एक योजना के तहत चुना, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी करता है उसमें परमेश्वर की एक प्लानिंग होती है। तो मैं इस बात के लिए कि परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें चुना, और आज हम बहुत सारे फलों को, बहुत सारी गवाहियों को, बहुत सारे लोगों को, लोगों के जीवनों को देख रहे हैं, परमेश्वर उनके द्वारा कैसे कैसे लोगों को बढ़ा रहा है, कैसे कैसे उनके जीवन में बड़े काम हो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बड़ा इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम पीछे जाएं, आज से कुछ साल पहले
तो इतना था, लेकिन बढ़ता 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 जो बहुत हो गया, और आने वाले दिनों में हम सोच भी नहीं सकते बहुत सारा होगा। जैसे एक बच्ची भी बता रही थी ना, कैसे वो अपनी चाहत को बता रही थी कि परमेश्वर उन्हें और भी ज़्यादा इस्तेमाल करे अपने लोगों के बचाने के लिए, क्योंकि रूहों को बचाने का काम जो होता है ना, वो कोई नॉर्मल नहीं है, है ना। हम तो यहाँ आ जाते हैं संडे या बुधवार, जहाँ है ना कोई ऐसे टाइम एक्स्ट्रा भी हो हम आ जाते हैं, लेकिन अगर उनकी लाइफ के बारे में देखें तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे एक बंदे की कोई भी वो काम कर रहा है ना, तो उसकी एक पर्सनल लाइफ होती, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पास्टर लोगों की, उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। कोई पता नहीं होता कि फंक्शन है, कोई त्यौहार है, कुछ भी है, उनको उनसे कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है सिर्फ लोगों का, आप लोगों की चिंताएं हैं, आप लोगों के जीवनों को लेके, आप लोगों के हालात, परेशानियां, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी हर एक चीज़ की उन्हें चिंता है कि ये बंदा अगर नहीं हो रहा, अगर इसकी लाइफ में अभी देर है तो वो क्यों है। उन्हें सिखाना है, उन्हें समझाना है, उनके साथ मीटिंग कराओ, ये करो वो करो। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मतलब ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाता है ना। एक इंसान इस पृथ्वी पर आया तो बस, है ना। कुछ टाइम पहले मेरी सोच ऐसी थी, अब नहीं है। कुछ टाइम पहले मैं सोचती थी कि ये तो कुछ ज़्यादा है, मतलब सत्संग जा रहे हो और शाम को जब आप 7 बजे 7:30 बजे जहाँ कभी कभी 6:30 बजे 8 भी बज जाते हैं, तो जब हम घर पहुँचते हैं तो जाके बस फिर फ़ोन खोल के बैठ जाना, या मनप्रीत से है ना टीम से बात करनी है कि वो क्यों नहीं आया, उससे बात करो, उससे साहित करो, या जाके शिक्षा लगा लेनी, जो कुछ भी परमिशन ने इस जगह किया अपने कामों को, है ना, टीचिंग को, कुछ भी पॉइंट्स कुछ भी है तो उसको जाके फिर से सुनना। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये पर्सन कभी थकता नहीं है, है ना। इसको बस यही है, कुछ फैमिली के लिए भी टाइम होना चाहिए, कुछ ऐसे है ना कहीं घूमने जाना चाहिए, या ऐसा नहीं कि हमारे रिश्तेदार नहीं है, हमारे बहन भाई नहीं है, है ना, सब कुछ आप लोगों की तरह ही है ना, लेकिन ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है ना। तो मैं पहले सोचती थी कि मतलब होना चाहिए हमें भी, क्योंकि कई रिश्तेदार तो हमारे ऐसे ही मतलब कि ये बस इन्होंने पता नहीं क्या पा लिया, ये इन्होंने परमात्मा को कुछ अलग जाना है कि इन्होंने आना जाना ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि हमारा प्रेम नहीं है, है ना, प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन जो दर्जा हम परमेश्वर को देते हैं ना, वो हमारी लाइफ में पहला होना चाहिए। पहला स्थान हमारे जीवन में किसके लिए होना चाहिए? परमेश्वर के लिए। और वो उनके अंदर है। बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्होंने हमें ऐसे इनवाइट करना अपने फंक्शंस में भी ऐसे छोड़ दिया कि ये लोग आते तो है नहीं, है ना। तो मतलब आपको लगता है कि बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक पास्टर की लाइफ अगर बैक से आप जाके देखो तो बहुत डिफिकल्ट है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी आती है, अगर वो करना भी चाहें लेकिन परमेश्वर का काम या परमेश्वर की वजह या परमेश्वर के लोगों के कारण वो उसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो पाते कि नहीं ऐसा, ये चीज़ ऐसे नहीं है। परमेश्वर को पहला स्थान हमेशा अपने जीवन में देते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी पेंडिंग रह जाती हैं जो परमेश्वर के कामों के कारण, या किसी के साथ मीटिंग है, या किसी का मन ऊपर है नीचे इधर है उधर है, कोई भटक गया है, राइट इंफॉर्मेशन सही जानकारी से उसको सिखाना है जाना है। ऐसा नहीं कि वो घर जा, है ना, उनका मन ऐसा है कि वो घर जाके भी आपको सिखाएंगे, है ना, आपको बुलाएंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। नहीं तो बहुत सारे ऐसे हैं जो बात भी नहीं करते, बात भी नहीं सुनते, आप उनसे बात करो आप वो करेंगे आपके लिए। नहीं, उनका ऐसा मन बिल्कुल भी नहीं, वो बस आप सीखने वाले बन जाओ वो आपको सिखाएंगे। कोई दिन रात या टाइम कुछ ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है कि इतना है ऐसा है। जब आप सीखने वाले बनो, आप बोलो हम सीखना चाहते हैं, वो हमेशा तैयार है, वो हमेशा आपके लिए तैयार है ना। तो ऐसा उनका मन है, और हमें भी जैसा खुदे के दास का मन है, जो उनकी चाहत है कि लोग बचे, क्योंकि लोग नाश हो रहे हैं, है ना, लोग जानते नहीं हैं, लोगों को पता नहीं है, तो लोग परेशान है अपनी बीमारियों में, अपने दुखों में है, तो उनकी चाहत है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या है ना। जैसे एक होता है ना कि रात जो होती है वो सोने के लिए बनाई परमेश्वर ने, है ना, कि आराम करो, है ना। तो मैं सोचती हूँ कि अगर रात ना हो तो शायद वो भी ना, है ना, वो भी ना करे, सोए भी ना।
परमेश्वर के कामों के लिए ऐसा मन परमेश्वर ने उन्हें दिया है, तो हमें भी परमेश्वर से मांगना है, अपनी प्रार्थनाओं में मांगना है कि परमेश्वर जैसा तेरे दास का मन है ना, वैसा हमारा भी हो जाए, हम भी तेरे लिए कुछ करें। क्योंकि जैसे हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो हम सिर्फ खाने पीने लाइफ को इंजॉय करने के लिए, यही मकसद नहीं है परमेश्वर का। आप सबके जीवन से भी कोई ना कोई मकसद है, कोई प्लान है। तो आप भी आप, क्योंकि वचन हमें सिखाता है, या हम कुछ लोग अपने होठों से बोलते तो हैं कि हम अपने अगुए की रीस करेंगे, हम उन्हें देखकर चलेंगे, लेकिन करना कई बार क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, कर नहीं पाते, लेकिन हमें करना है ना। तो जैसे बच्चे इस जगह खड़े होकर परमेश्वर के दास के लिए बोल रहे थे, अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स को आपके लिए शेयर कर रहे, जो कुछ भी उन्होंने उनकी लाइफ से एक्सपीरियंस किया है वो आपके साथ शेयर कर रहे थे। हो सकता है किसी के मन में ये भी आ सकता है कि एक इंसान के लिए बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, जो खुदा का काम करता है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने उन्हें चुना है, वो इंसान नॉर्मल नहीं है। परमेश्वर से पूछ के देखो, जो इंसान परमेश्वर के लिए कुछ कर रहा है उसकी वैल्यू परमेश्वर के नजरों में कितनी है, बहुत है, परमेश्वर उन्हें प्रेम करता है ना। तो परमेश्वर ने अगर उनकी चोन की है तो निश्चय परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है उनके जीवन से, और वह पूरा हो रहा है और आगे भी होगा। आप लोग भी अपने मनों को तैयार कीजिए, आप लोग भी परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मैं भी तेरे लिए है ना कुछ करना चाहता हूँ, अपने जीवन से कुछ बेस्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि वो बेस्ट दे रहे हैं हर चीज में, वो परमेश्वर के साथ वफादार है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपके प्रति परमेश्वर के प्रति निभा रहे हैं। तो आप भी सिर्फ बोलने वाले नहीं बनना कि हम अपने अगुए की रीस करेंगे, हम उनको देखकर चलेंगे, बल्कि हमें अपने जीवन से करके भी दिखाना है ना। तो जैसे टीम है, कोई भी है, आप किसी भी सेवा में हो, अगर वो आपसे कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको डांट रहे हैं या आपको इंसल्ट फील करने के लिए करवा रहे हैं। वो इसलिए अगर आपको कुछ बोल देते हैं, उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि परमेश्वर का काम एक अच्छे तरीके से हो, उसे देखकर आपको भी अच्छा लगे और दूसरे जो देखने वाले हैं उनको भी अच्छा लगे। अगर आपको अच्छे तरीके से बैठने के लिए कहा जाता है, आपको उन चीज़ों को फॉलो करना है, इस ये चीज़ देखकर नहीं करना है कि कोई इंसान बोल रहा है, आप परमेश्वर के घर में आए हो और आपको इस चीज़ को इस मन से लेना है कि हमें कौन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, और मुझे ये चीज़ किसके लिए करनी, मुझे ये सेवा, अगर कोई बर्तन कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई भी है, किसी भी फील्ड में आपकी सेवा है, उसको आपने परमेश्वर की ओर से लेनी है। और अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए गाइड किया जा रहा है, कुछ समझाया जा रहा है, तो आपको नम्र दीन मन से उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और अपने जीवन से उस चीज़ को करने की कोशिश करनी है। क्योंकि वचन हमें सिखाता है, हमें कोशिश करनी नहीं छोड़नी, हमें यत्न करते रहना चाहिए, हमें और बेस्ट करने की कोशिश करनी कि परमेश्वर अगर इस बार मुझसे कोई कमी रह गई, अगर इस बार मुझसे कुछ है ना ऊपर नीचे हो गया, नेक्स्ट टाइम ऐसा मन रखना है कि मैं बेस्ट करूँगा, मैं तेरे लिए बेस्ट अच्छा करूँगा, सबसे अलग करूँगा। तो ऐसा मन आपने भी रखना है, आपने हमेशा अपने अगुए की रीस करनी है, उनको देखकर चलना कि वो परमेश्वर के साथ कैसे चलते हैं, कैसा मन रखते हैं। तो निश्चय जैसे परमेश्वर उनके जीवन को ब्लेस कर रहा है, परमेश्वर ने सब कुछ उनके लिए बेस्ट रखा है, तो वो आपके लिए भी करेगा, निस्संदेह, नो डाउट। परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है और आप सबके लिए भी करेगा। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। निश्चय परमेश्वर आज के वर्ड, जब खुदा के दास इस जगह आएंगे तो आपको बड़े जबरदस्त मैसेज के साथ ब्लेस करेंगे। हर एक बात के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज की मीटिंग निश्चय खुदावंत परमेश्वर तेरे नाम में ब्लेस हो चुकी है। आमेन, 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 आमेन।